तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो पुरानी इंस्टाग्राम आईडी वापस लाना। आपने इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई है दोस्तों, एंड वो आईडी जो है आपका लॉग आउट हो चुका है। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हो पुरानी आईडी अपने फोन में लॉगिन करना वापस से, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप जो अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी कैसे लॉगिन कर सकते हो, उसको कैसे वापस ला सकते हो। तो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बस आप बने रहो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों, चलते हैं हमेशा की तरह अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूं। आपका इंस्टाग्राम आईडी कितना भी पुराना है, लेकिन उसको वापस लाने का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं। पासवर्ड नहीं मालूम है पुराने आईडी का, फिर भी वो आईडी को वापस ला के आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि आप कैसे ला सकते हो बिना पासवर्ड का। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा आपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। एंड दोस्तों, इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा आईडी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, एक ही आईडी मेरे इंस्टाग्राम में लॉगिन है। एंड दोस्तों, मैं आपको पुरानी आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, उसका पासवर्ड मुझे नहीं मालूम है फिर भी। तो उसके लिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा पहले ये इंस्टाग्राम आईडी को आपको लॉग आउट कर देना है अपने फ़ोन से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको लॉग आउट कर देता हूँ। इसको लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे राइट साइड में सबसे नीचे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा। एंड इसको लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड में सबसे ऊपर थ्री लाइन बना हुआ दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है एक बार। एंड दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। एंड पूरा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लिखा हुआ है लॉग आउट। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर दिया है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे रेड कलर का दिखेगा। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर दिया है। एंड इस पर क्लिक करते ही दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो लॉग आउट हो चुका है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। एंड इसको यहाँ पे कंप्लीट तरह से यहाँ पे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो उसके लिए, इसको हटाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी आईडी शो हो रहा है। इसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिमूव प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करा। एंड यहाँ पे सिंपल आपको रिमूव वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, मेरे फ़ोन में अभी कोई भी इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन नहीं है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों, आप पुरानी आईडी को वापस लाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। एंड नीचे देख सकते हो पासवर्ड का। तो दोस्तों, आपको पुराने आईडी का पासवर्ड नहीं मालूम है, आपको वो लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना फ़ोन नंबर फिल कर देना है, जो फ़ोन नंबर से आपने अपने पुराने आईडी को बनाया हुआ था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर फिल कर देता हूँ। आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। एंड दोस्तों, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी फ़ोन नंबर फिल करा है दोस्तों, उस पर ओटीपी जाएगा 4 या 6 अंक का, वो ओटीपी आपको फिल कर देना होता है दोस्तों। एंड फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे अकाउंट मेरे इंस्टाग्राम के शो हो रहे हैं दोस्तों। मेरा ओटीपी जो है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है, जितना भी मेरे फ़ोन नंबर से इंस्टाग्राम आईडी बना हुआ है, यहाँ पे सारा आईडी आ चुका है। एंड दोस्तों, अगर आपका ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप ओटीपी फिल करोगे एंड वो आपके फ़ोन नंबर से जितना भी इंस्टाग्राम आईडी बना हुआ है आपका सारा यहाँ पे दिख जाएगा। एंड दोस्तों, कितना भी पुराना आईडी हो, यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड दोस्तों, जो भी आईडी को आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड नहीं मालूम है फिर भी, अगर आपको कोई भी आईडी लॉगिन करना है, तो आपको सिंपल सा वो आईडी को एक बार सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। मैं एक आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल साजिद 2, तो दोस्तों मैं ये आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आईडी मेरे इंस्टाग्राम में लॉगिन नहीं था एंड इसका पासवर्ड भी मेरे को नहीं मालूम है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा ये आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है। एंड दोस्तों, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आएगा लिख करके क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अपना पासवर्ड आप बिल्कुल आसान तरीके से नया पासवर्ड सेट कर सकते हो एंड ये आईडी को लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। एंड दोस्तों, आप भी अपने हिसाब से जो भी अपना पासवर्ड इंस्टाग्राम का रखना चाहते हो वो रख लोगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड बना लिया है, जो मैं बनाना चाहता था। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे दोस्तों। एंड वेट करने के बाद आपका इंस्टाग्राम आईडी जो है लॉग इन हो जाएगा। देख सकते हो जैसे कि आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है पुराना वाला वो लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से अपने कितने भी पुराने इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन कर सकते हो। आपको पासवर्ड नहीं मालूम है फिर भी आप पासवर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।